नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार 24 लाइव। खबरें वही जो है सही। आप देख रहे हैं जनपद श्रावस्ती से एक बड़ी खबर। अपर प्रशिक्षक द्वारा इंडो नेपाल बॉर्डर सुइया का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा। आपको बता दें, श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र सिरसिया के अंतर्गत इंडो नेपाल बॉर्डर का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था के बारे में ली गई जानकारी तथा सिरसिया क्षेत्र के कई कस्बों में जैसे कस्बा गुलरा, चिलेरिया, ताल बगोड़ा, सुइया कस्बे में आशंकी कर्फ्यू का अनुपालन कराया गया। वहीं मेडिकल स्टोर की दुकानों पर आवश्यक दवाएं के रेट चेक किए गए तथा निर्धारित रेट से अधिक मूल्य न लेने की हिदायत दी गई। वहीं इंडो नेपाल बॉर्डर सुइया ताल बगोड़ा भरता का निरीक्षण कर थाना सिरसा की फोर्स SSB के जवानों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। ऐसी सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, जिससे मिल सके आपको हर अपडेट। आइए आपको सुनवाते हैं अपर प्रशिक्षक BC दुबे द्वारा क्षेत्र में भ्रमण को लेकर क्या कहा गया। दुबे द्वारा कस्बा झिनका, सिरसिया, ताल बगोड़ा, चिलरिया मोड़, इन कस्बों में जाकर के आंशिक कर्फ्यू के लागू करने की स्थिति देखी गई। साथ ही साथ वहाँ के फोर्स को आंशिक कर्फ्यू को लागू कराने के लिए निर्देश दिया गया। साथ ही साथ में नेपाल राष्ट्र के बॉर्डर से सटे हुए शंकरपुर, सुनहरिया, कुरुसमा, बाताकला और सुइया बॉर्डर का निरीक्षण किया गया। वहाँ पर जो SSP लगी है, साथ ही साथ सिविल फोर्स को, उनको भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही साथ कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी, कई कई पर दवाओं के रेट ज़्यादा लगाए जा रहे हैं, तो इसको दृष्टिगत रखते हुए इन कस्बों में जा कर के दवाओं की दुकानों पर वहाँ उनके रेट पता किए गए और प्राइवेट आदमी भेज करके उसको तस्दीक कराया गया। तो इस प्रकार से आज मेरे द्वारा कस्बा भिनगास, चिलरिया, इन कस्बों का भ्रमण करके वहाँ आंशिक कर्फ्यू को सख्ती से लागू कराया गया।